Hello friends, I'm back again and we are with the new chapter whose name is Mother's Day. तो फिर ये स्नैपशॉट का अपना फिफ्थ चैप्टर है और ये बहुत ही मतलब इजी चैप्टर है. तो पहले हम मदर्स डे समझ लेते हैं, मतलब टॉपिक समझ में आ गया तो चैप्टर तो ऐसे समझ में आ जाएगा. तो अपना ये मदर्स डे ना, आप जैसे कि आप भी मनाते हो गए यार मदर्स डे, ठीक है. तो यार ये जो पहले आपको पहले कैरेक्टर्स बता देता हूँ. मिसेस फिट्जगेराल्ड, ये अपनी मिसेस पियर्सन की फ्रेंड है और मिस्टर पियर्सन ऑब्वियसली मिसेस पियर्सन के हस्बैंड. डोरिस इज द डॉटर ऑफ मिसेज एंड मिस्टर पियर्सन और साइरल उनका सन है. तो एक चार्ल्स स्पेंसर बीच में एक छोटा सा मतलब एक रेफरेंस आएगा, वो मैं आपको बता दूंगा, थोड़ी ह्यूमरस है ये चीज़, ठीक है. तो फिर मिस फिट्जगेराल्ड और मिस पियर्सन का पहला सीन है, ठीक है. ये दोनों ना बात कर रहे होते हैं और मिस फिट्जगेराल्ड है ना जो, वो बता रही होती है यार मिस पियर्सन को कि यार तुम कैसी सी जिंदगी जी रही हो, तुम्हें बस काम करना आता है इधर उधर, मतलब बस काम करोगी. अगर डोरिस ने कुछ काम बोल दिया तो तुम वो करने लगोगी, साइरल ने कुछ खाने को बोल दिया कि मेरे को ये खाना तो तुम वो बनाने लगोगी, तुम बस काम ही करती रह जाओगी जिंदगी भर और तुम्हें अपनी जिंदगी जीनी ही नहीं है. तुम्हें ना गुलाम बना के रखा है, सर्वेंट समझती हो तुम सर्वेंट. मिस फिट्जगेराल्ड मिसेस पियर्सन को अपनी फैमिली की सर्वेंट बोलती है, ठीक है, मतलब तुम समझ गए होगे. तो मिसेस पियर्सन अपनी ना एकदम भोली भाली सी लेडी है, वो मिस फिट्जगेराल्ड जो भी बोलती हैं उसमें हाँ में हाँ मिलाई जा रही हैं, पर उन्होंने अपनी फैमिली से बहुत प्यार है. तो आपने देखा होगा आपकी मम्मी भी जो भी हैं, अब वो ऐसे कंप्लेंट तो नहीं करती ना, वो इतना प्यार करती है आप लोगों को, जो भी आप कुछ कहते हैं वो सब कुछ कर लेती हैं. ऐसे ही मिसेस पियर्सन थी. पर यार अगर ज़्यादा हो जाता है ना कभी कभार फैमिली मेम्बर्स का प्रेशर, सब कुछ करने लगो आप, तो ये हैंडल नहीं हो पाता. तो ये मिस फिट्जगेराल्ड अपनी मिस पियर्सन को बता रही हैं. तो फिर मिस फिट्जगेराल्ड ना टाइप ऑफ विजर्ड थी, विजर्ड समझते हो, मतलब एक तरह की, मतलब मैं तो देखो भाई मेरे को विजर्ड ना अपना हैरी पॉटर से याद आ गया. तो जादूगर रही थी आज, मतलब तुम मान लो जैसे कि जो एस्ट्रोलॉजी काम नहीं करते हैं, मतलब जो भी अनपढ़ ऐसे ऐसे कुछ जादू करके किसी की भी पर्सनालिटी चेंज कर लेते हैं, तो मिस फिट्जगेराल्ड को ना ऐसे कोई नॉलेज थी. तो उसने कहा पियर्सन को, चलो यार पर्सनालिटी चेंज कर लेते ना अपनी, मैं तुम्हारी ज़िंदगी ना ऐसे ऐसे ठीक कर दूंगी. तो फिर मिस पियर्सन पहले तो झिझकाई जो भी मतलब बोलते हैं हम, ठीक है, मतलब उनको लगा नहीं यार नहीं हो सकता यार ऐसे. फिर मिस फिट्जगेराल्ड अपनी एकदम, भाई नहीं भाई इसको ही तो मैं करके रहूँगी पर्सनैलिटी चेंज, आज इसकी ज़िंदगी बनानी है भाई, ठीक है, तो मेरे को ना फिर पर्सनैलिटी चेंज कर लेते हैं मैं, मतलब कुछ भी आपरा का डाबरा करती हैं मिस फिट्जगेराल्ड. तो फिर और मिस पियर्सन के साथ इंटरचेंज हो जाती हैं, इंटरचेंज इन द सेंस मिस फिट्जगेराल्ड का जो सोल है वो मिस पियर्सन में आ जाता है और मिस पियर्सन का सोल अपना मिस फिट्जगेराल्ड में आ जाता है, मतलब तो तुम समझ गए होगे ऑब्वियसली यार, ठीक है. तो फिर अब मिस फिट्जगेराल्ड जो है, अब मैं उनको मिस पियर्सन बोलूंगा और मिस पियर्सन को मैं मिस फिट्जगेराल्ड बोलूंगा, क्योंकि उनकी पर्सनैलिटीज चेंज हो गई हैं पर बॉडी चेंज नहीं हुई है, ठीक है. तो चलो पहला सीन दिखाता हूँ आपको मैं. अपनी मिस फिट्जगेराल्ड अपना अपना घर चले गई वापस, और जो अपनी मिस पियर्सन है फिर वो ना चेयर पे बैठ जाती हैं. मिस पियर्सन मतलब असलियत में वो फिट्जगेराल्ड ही है, ठीक है ना, अब बार बार नहीं बताऊंगा मैं यार. मिस पियर्सन मतलब वो जो मिस फिट्जगेराल्ड है उसके अंदर है, मिस पियर्सन की बॉडी में, अब नहीं बोलूंगा, ठीक है. मिस पियर्सन अपनी बैठी हुई है, फिर ना डोरिस आती है, वो पूछती है आपने मेरा कपड़ा अभी तक आयन क्यों नहीं किया, आयन इन द सेंस प्रेस क्यों नहीं किया. वो फिट्जगेराल्ड अपना मतलब सॉरी मेरी गलती इस बार. पियर्सन ना अपनी चाय पी रही होती है, अपना काम कर रही होती है, वो कहती है मुझे तुमसे क्या मतलब, तुम्हारे कपड़े तुम जानो, व्हाई शुड आई इंटरफेयर इन दैट, ठीक है. तो डोरिस कहती है मैंने आपको बताया नहीं था कि मैं चार्ल्स स्पेंसर के साथ घूमने जाने वाली हूँ आज, मतलब एकदम ऐसे से टोन में यार बहुत गलत बात है, ठीक है. फिर पियर्सन कहती है वो चार्ल्स स्पेंसर वो घटिया सा लड़का वही रह गया तुम्हारे लिए. तो फिर डोरिस एकदम इमोशनल लड़की, मतलब वो तो रो गई यार, उसने कैसे सी चीज़ बोल दी मतलब चार्ल्स स्पेंसर के बारे में, ठीक है, मतलब समझ लो ना चार्ल्स स्पेंसर कौन है इस कहानी में उसका, अब इतने समझदार तो वही, अब नहीं समझ रहे तो भाई मैं भी हाथ जोड़ रहा हूँ सॉरी. तो फिर उसके बाद ना मिस पियर्सन अपना वही वापस काम करने लगती हैं, अपना ऐश वाली जिंदगी दिखा रही हैं कि वो कितनी खुश हैं. स्टाउट समझते हो तुम, एक ड्रिंक होती है वो पी रही हैं, ठीक है. तो फिर अब सेकेंड एंट्री होती है हमारी साइरल की. साइरल अपना आते हैं, वो कहती हैं मुझे खाना चाहिए, मेरा सफ़र चाहिए, वो जो मतलब आप जानते हैं इंग्लिश मैन टाइप्स खाना और पीना, ठीक है. तो फिर साइरल मांगता है, वो कहती हैं मिस पियर्सन बोलती हैं गो मेक इट योर सेल्फ ना, व्हाई शुड आई, मतलब अपना एटीट्यूड भाई बहुत काम कर लिया अब नहीं करने वाली मैं कुछ, ठीक है.
सायरल एकदम शॉक्ड कि मेरी मम्मा के बिहेवियर को ये क्या हो गया, शी वॉजेंट लाइक दैट. ठीक है, तो फिर यही दोनों सायरल डोरेस एक कमरे में मतलब जाते हैं, बात करते हैं, क्या हो गया है, क्या तुमने कुछ किया है, क्या मैंने कुछ किया है. वो कन्फ्यूज जाते हैं कि हमारी मम्मा को ये क्या हो गया. ऑब्वियसली यार तुम्हारे साथ भी ऐसा हुआ, अगर तुम वैसे हो तो समझ जाओ भाई. ठीक है, तो मिसेस पियर्सन फिर अपना आराम कर रही थी. फिर उसके बाद सायरल डोरेस कहते हैं चलो भाई अब देखते हैं पापा का क्या हाल होने वाला है. ठीक है, मतलब कहते नहीं यार तुम, अपना सोचते हैं. ठीक है, तो फिर अब आते हैं मिस्टर पियर्सन एंट्री, उनका नाम जॉर्ज है वैसे कहानी के अंदर. ठीक है, तो फिर जॉर्ज आते हैं. ठीक है, मिस पियर्सन से कहते हैं कि यार आज ना मैं वो खाना नहीं खाऊंगा आज ना यार, तुम्हें तो पता है ना मेरा क्लब जाना है मुझे. वो कहती है कि अरे भाई तुम वहीं जाओगे, तुम ऐसी जगह जा रहे हो जहाँ तुम्हारा मजाक उड़ाया जाता है. ठीक है, फिर जॉर्ज कहते हैं क्या कुछ भी मत कहो, वहाँ पे ना मेरी बहुत इज्जत है. ठीक है, मिस पियर्सन फिर ना उसको इग्नोर कर देती है और अपना शाउट पीने लगती है. और जॉर्ज को लगता है, पूछता है एक्चुअली तुम शाउट पी रही हो, मतलब एकदम शॉक्ड में. ठीक है, मिस पियर्सन कहती हैं सो व्हाट. ठीक है, तुम भी तो पीते हो. तो मिस्टर पियर्सन एकदम शॉक्ड. फिर वो अपना कहते हैं कि मेरा अगर ब्रेकफास्ट में मतलब ब्रेकफास्ट नहीं जो भी खाना था मैं नहीं खा रहा, पर तुम्हें कम से कम बना के तो रखना चाहिए. मिस पियर्सन एकदम अनॉयड, अरे भाई तुम्हें अगर खाना ही नहीं था तो मैं क्यों बनाऊँ, इतने मतलब तुम पागलों वाली बातें मत करो, जाओ जाओ अपना मजाक उड़वाने वहाँ अपने क्लब में जाओ वापस. फिर जॉर्ज जो अपने इन दोनों बच्चों से बात करता, क्या हो गया तुम्हारी मम्मी को यार ये. फिर ऐसी मतलब बहुत तीनों के बीच में कॉन्ट्रोवर्सीज होती हैं, अपने जानने की कोशिश करते हैं मिस पियर्सन को क्या हो गया क्या हो गया. ठीक है, अब यार मैंने ना एक चीज तुम्हें बतानी भूल गया, जो अपनी मिस फिट्जगेराल्ड है ना वो सायरल के बाद एंट्री लेती है घर के अंदर. ठीक है, सायरल नहीं सॉरी डोरेस के बाद. तो फिर ये ना वो बैठी होती है फिट्जगेराल्ड, ये जो भी सीन्स चल रहे होते हैं ना मिस फिट्जगेराल्ड वहीं पे बैठी होती है और सब कुछ देख रही होती है. और वो जब भी मिस जो अपनी पियर्सन है कुछ भी गंदे गंदे कमेंट्स पास करती है डोरेस सायरल या अपने जॉर्ज को, तो मिस फिट्जगेराल्ड ना ऐसे ऐसे मतलब उनको रोकने की कोशिश करती है. अब तुम जानते होगे क्योंकि वो क्यों रोक रही है उनको, ऑब्वियसली है सॉरी ऑब्वियसली यार, क्योंकि यार पता है ना यार फिट्जगेराल्ड के अंदर कौन है. ठीक है, फिर ऐसी एक क्या बोलते हैं ये सीन चल रहा होता है. उसके बाद ना फिट्जगेराल्ड जब जॉर्ज ना फिट्जगेराल्ड को बोलते हैं यार आप हमारे फैमिली मैटर में ऐसे बोलो मत, आप जाओ चले जाओ अपने घर. फिर भाई इतनी पियर्सन, हाउ डेयर यू टॉक टू लाइक दैट, हाउ डेयर यू टॉक टू हर लाइक दैट. थोड़ा अभी जल्दी जल्दी हो गया. ठीक है, तो फिर ऐसे ही मतलब जॉर्ज भी एकदम शॉक्ड कि क्या हो गया इनको, क्या हो गया. ठीक है, फिर ना वो तीनों ना एक मोमेंट आता है कि वो तीनों एक तरह से सेट मतलब जो एक कहानी है ये सेट पे चल रही है, वो तीनों उससे बाहर हो जाते हैं और मिस पियर्सन और मिस फिट्जगेराल्ड रह जाते हैं वहाँ पे. तो फिर मिस फिट्जगेराल्ड कहती हैं कि चलो पियर्सन अब मैं और नहीं देख सकती इनको, लेट्स चेंज आवर पर्सनालिटीज बैक. ठीक है, फिर पियर्सन कहती है कि नहीं नहीं मुझे तो मजा आ रहा है, मैं तो अभी भी करूँगी भाई, पर्सनैलिटी में रहूँगी करूँगी, मतलब भाई तुम्हें क्या हो गया यार. ठीक है, फिर ठीक है वो ना बाद में फिर कर लेती है आबरा का डाबरा, हो जाता है पियर्सन और फिट्जगेराल्ड अपने बैक सूट में आ जाते हैं. पर फिट्जगेराल्ड बोलती है पियर्सन को मैंने इतना कुछ किया है तुम्हारे लिए, अब तुम इसको ना ऐसी जाने मत देना, मैंने उनको हड़का के रखा है, सब कुछ करके रखा है, अब तुम इस जो भी मेरी मेहनत है सब खराब मत कर देना प्लीज़. ठीक है, पियर्सन कहती है ठीक है. फिर मिस फिट्जगेराल्ड चली जाती है और जॉर्ज सायरल और डोरेस की एंट्री होती है, वो प्यार से बात करते हैं अपनी मम्मी से. ठीक है, फिर पियर्सन अपनी ऐसे टांग फैलाई हुई ऐसे बोलती है, पहले वो तीनों पूछते हैं क्या करोगे भाई, मतलब मम्मा हम आपके लिए क्या कर सके सॉरी. ठीक है, फिर पियर्सन बोलती है एक काम करो तुम दोनों लड़का लड़की जाओ मेरे लिए सफर लेके आओ और आओ आज हम रमी का एक गेम खेलेंगे. तो फिर ये एकदम चौड़ में भाई एकदम है मिसेस पियर्सन की भी जिंदगी एकदम झंड से एकदम थोड़ी बहुत सही हो जाती है. बस यही है कहानी के बारे में. और वैसे जे भी प्राइस प्लीज के अपने ऑथर हैं हमारे हेलो. ठीक है, तो याद कर लेना यार कर सकते हो तो. ठीक फिर पढ़ते रहो भाई, और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो डिस्क्रिप्शन में बता देना, मैं कोई नई वीडियो डालूंगा उसके बारे में. ठीक है, थैंक यू, बाय.